हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और इस लेक्चर वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 135 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में ऑथर क्या कहना चाहते हैं। ए स्मॉल डिस्क ए स्लाइड डाउन विथ इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए स्मूथ हिल ऑफ हाइट कैपिटल एच हैविंग अ हॉरिजेंटल पोर्शन। व्हाट मस्ट बी हाइट ऑफ द हॉरिजेंटल पोर्शन एच टू इंश्योर द मैक्सिमम डिस्टेंस एस कवर्ड बाय द डिस्क। व्हाट इज इट इक्वल टू। देखिए, एक डिस्क को एक इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस से गिरा दिया जाता है। जिस हाइट से इसको छोड़ा जाता है वो कैपिटल एच दिया हुआ है और जहाँ पे आने के बाद ये फॉल करेगा, एयर में आ जाएगा, वो स्मॉल एच दिया हुआ है। ठीक है, ये फॉल करके कहीं पे गिरेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये एस है, तो ये एस का मैक्सिमम होने के लिए स्मॉल एच और कैपिटल एच में क्या रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, इस एस का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए स्मॉल एच और कैपिटल एच में क्या रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, और ये एस मैक्सिमम का वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है, ठीक है, व्हाट मस्ट बी द हाइट ऑफ हॉरिजेंटल पोर्शन एच, मतलब इस एच का वैल्यू क्या होना चाहिए कैपिटल एच के टर्म में कि ये एस का जो वैल्यू है ये मैक्सिमम हो जाए। तो समझिए कि जब ये यहाँ पर आएगा तो ये कितना नीचे गिरेगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच नीचे चला जाएगा। यहाँ पे जब कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हाइट नीचे जाएगा तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, और ये जो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इस समय जब ये ब्लॉक, जब ये डिस्क यहाँ पर है, स्मॉल एच हाइट पे है, उस समय इसका जो काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हैं वो कितने के बराबर हो जाएगा, हाफ एम बी ए स्क्वायर डैट इज इक्वल टू एम जी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाएगा, वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर टू जी इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो ये इस वेलोसिटी से हॉरिजेंटल जाएगा, इसका वर्टिकल कोई वेलोसिटी नहीं होगा। जिस समय ये इस सरफेस को छोड़ेगा उस समय वर्टिकल वेलोसिटी कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस है ये हॉरिजेंटल दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी हॉरिजेंटल प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो एच हाइट गिरने में उसको जो टाइम लगता है वो टाइम कितने के बराबर होता है, रूट अंडर टू एच बाई जी के बराबर होता है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में सीख रखा है। तो ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना होगा। चूँकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसलिए आप एस का वैल्यू लिख सकते हैं वी इंटू टी। ठीक है, और वी का वैल्यू आ चुका है रूट अंडर 2g इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और t का जो वैल्यू है वो है रूट अंडर 2h बाई जी, ऐसा है। तो रूट अंडर g एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये s का जो वैल्यू आएगा ये कितने के बराबर आ जाएगा, देखिए 2 इंटू स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ठीक है, यदि ये वाला टर्म मैक्सिमम हो जाए तभी तो ये s मैक्सिमम होगा, तो इसको y मान लेते हैं कुछ देर के लिए। तो ये कितने के बराबर आएगा, h इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डैट इज इक्वल टू एच इंटू कैपिटल एच माइनस एच स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एच के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एच। ठीक है, और इसको क्या कर देना है, जीरो के बराबर कर देना है, और स्मॉल एच का वैल्यू निकाल लेना है, कैपिटल एच के टर्म में आ जाएगा। ये वो वैल्यू होगा स्मॉल एच का जिसके जिस हाइट पे इस एस का वैल्यू जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस तय कर रहा है उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो ये देखिए ये कितने के बराबर आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे एच का डिफ्रेंशिएशन वन कैपिटल एच माइनस टू एच डेट इज इक्वल टू जीरो, तो एच का वैल्यू आ गया कैपिटल एच बाई टू। यदि स्मॉल एच का वैल्यू कैपिटल एच बाई टू हो जाए तो ये एस का जो वैल्यू है ये मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम एस का वैल्यू कितना आएगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एस का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा ये कितने के बराबर आएगा, तो इसमें पुट कर देना है आपको स्मॉल एच के जगह पे कैपिटल एच बाई टू पुट कर देना है, तो टू इंटू कैपिटल एच बाई टू। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा,
यहाँ पे 2 × 2 ये एक्चुअली 4 था यहाँ पे, है ना, ये 4 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 4 है, 4 × H/2 × H-h। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है तो स्मॉल एच का वैल्यू एच बाई टू दिया हुआ है, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, देख लीजिए, ये आ जाएगा कैपिटल एच के बराबर, ठीक है। तो एस का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, एस मैक्सिमम जो आएगा वो कितने के बराबर आएगा, कैपिटल एच के बराबर आएगा। और स्मॉल एच का क्या वैल्यू होना चाहिए कि एस मैक्सिमम हो, हाफ ऑफ द हाइट होना चाहिए, है ना। थैंक यू।